दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2010 में टोक्यो सरकार के कुछ अधिकारी उनके शहर के सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को उनके 111वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर पर पहुँचे। लेकिन जब वह उनके घर पर पहुँचे तो वह उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ पर बेड पर केवल एक कंकाल लेटा हुआ था और वह आदमी 30 साल पहले ही मर गया था। लेकिन उसके परिवार वालों ने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि वह उसकी पेंशन अब भी ले रहे थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।